और हमारा ना फर्स्ट को मतलब फर्स्ट अगस्त को एक कॉम्पिटिशन है। चाबी मम्मी के पास आ गई थी इसलिए अभी मेरे को जाना पड़ रहा है वहाँ पे चाबी लेने। सैंडे जी हाँ जी मेरे फोन जितनी है तो हेलो दोनों बड़े शरारती हैं। देखो भाई क्या खतरनाक ही बारिश होने लगी है यहाँ पे। यहाँ पे देखो बारिश की एक बूंद तक नहीं पड़ी है देख रहे हो। थोड़ा ना 6-7 साल हो गए इस गिटार को तो देखते हैं अगर ये ठीक हो जाएगा तो उसको ठीक करवा लेंगे अगर नहीं होगा तो फिर नया देखना पड़ेगा। तो भाई ये गिटार अभी फाइनल करा हमने। तो भाई अभी हमें अपने स्कूल के म्यूजिक रूम में और हमारा ना फर्स्ट को मतलब फर्स्ट अगस्त को एक कॉम्पिटिशन है तो हम आज नाम लिखवाया। अगर उस दिन पता नहीं मैं रिकॉर्ड कर पाया ना व्लॉग तो कर लेंगे लेकिन अभी का बताता हूँ मैं। तो अभी हम यहाँ प्रैक्टिस करने आए हैं। तो ये प्रैक्टिस कर रहा है भाई अभी हारमोनियम पे और मेरे को भी कल गिटार लेकर आना पड़ेगा स्कूल में तो फिर कल से मेरे को प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और हमारे पास बस 3 दिन है हमने 3 दिन में ये सारा कवर करना है। तो भाई पता नहीं कैसे होगा मैं तो 2 साल से गिटार बजाया भी नहीं है लेकिन चलो मैं कर लूँगा मेरे को पता है। टॉम एंड जेरी और अभी पीरियड ओवर हो गया अभी लास्ट पीरियड चल रहा है हमारा और बस इसके बाद छुट्टी है। थोड़ी बहुत प्रैक्टिस और करते हैं फिर छुट्टी हो जाएंगे चलेंगे घर और कल गिटार लेके आएंगे तो कल गिटार के साथ प्रैक्टिस करेंगे यहाँ पे। चलो भाई फाइनली हो गई छुट्टी और काफी प्रैक्टिस करी आज हमने। चलो ठीक है सर जी बाय बाय कल आ जाओ स्कूल छुट्टी वहां के ना बैठ जियो। खतरनाक गर्मी है बाहर यहाँ पे पी जा रही है अभी चाय देर से कोई पीनी है चाय पीनी है। तो भाई अब देखो आज का व्लॉग मैंने इतनी लेट अपलोड करा अभी 4 बजे वाले और अब जाके मेरा व्लॉग जो है अपलोड हुआ है यहाँ पे तो फटाफट चाय पीते हैं और अब मेरे को कहीं जाना है तो कहाँ जाना है वो बताता हूँ आपको बाद में। तो भाई अभी मैं जा रहा था मोहाली मम्मी के शॉप की चाबी देने वहाँ पे स्टेडियम तो बस अभी मैं वहाँ पे चाबी देने जा रहा हूँ फिर चाबी लेके आ जाएंगे वापस। चलो तो भाई यहाँ पे अभी हमने चाबी दे दी है शॉप की। मम्मी आज शॉप आएंगे थोड़ा लेट आएंगे क्योंकि मम्मी की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी उसके वजह से फिर मैं जल्दी आ गया पता नहीं मम्मी आएंगे या नहीं। अभी मैं जा रहा हूँ मधु आंटी के घर। मधु आंटी ने नया डॉगी लिया अब कौन सा लिया वो मैं आपको वहीं जाके दिखाता हूँ। मैंने देखा मेरे को बस पता लगा कि उन्होंने नया डॉगी लिया तो मैंने सोचा आज उनका डॉगी देखने चलते हैं वहाँ पे तो उनका घर यहीं पास में ही है। जी चाबी देने आया था मैं तो दुकान पे। क्यों अच्छा मम्मी थोड़ा लेट आएंगे ना वो कहाँ है वो ऊपर है ऊपर है हाँ। उसको तो देखने आया हूँ मैं स्पेशल। अच्छा हेलो कैसे हो पूरी डेरी जैसी है डेरी जैसी। हेलो हेलो डेरी से मिल रहा डेरी से हेलो मेरे को लगा ब्राउन कलर का होगा सो रहा है नहीं कर रहा है सोचा। तेरा नाम क्या था मैं तेरा नाम भूल गया दीवांश मोनित ये दीवांश दोनों बड़े शरारती हैं। ये देखो भाई कैसे सो रही है ये बीवी ये कंबल है। तो भाई दीवांश अभी वहाँ पे पैरीपोना करके आएगा आंटी जी को चलो जाओ पैरीपोना करके आना ठीक है पैरीपोना। चलो तो भाई चलते वापस अभी घर रहो भाई रात तो नहीं आ रहा गाड़ी के तो मौसम ऐसा मस्त होगा ना एकदम ठंडा ठंडा हो ऐसा लग रहा है पहाड़ों में घूम रहे हैं ऐसी फीलिंग आ रही है। कुछ सेकंड में मौसम ने अपना रूप बदल दिया और धूप से बारिश आ गई। अब यहाँ पे स्टेडियम में उतरा हूँ मैं अब यहाँ से एक और ऑटो लेना अपने घर मोहाली आने के लिए मेरे को 2-2 ऑटो पकड़ने पड़ते हैं। अब देखो भाई क्या खतरनाक ही बारिश होने लगी है यहाँ पे मोहाली में कम हो रही थी यहाँ पे हो रही खतरनाक बारिश है। तो भाई घर पहुंच चुके हैं लेकिन यहाँ पे देखो बारिश की एक बूंद तक नहीं पड़ी है देख रहे हो रोड पूरी सूखी और मौसम बिल्कुल साफ बी सेक्टर में ऐसा मौसम है। और अभी आते आते देखो रास्ते में बड़े वाली साइड इतनी बारिश भाई खतरनाक की बात हो रही थी यहाँ पे तो बारिश ही नहीं हो रही है वहाँ तो बारिश इतनी हो रही है भर भर के बारिश हो रही है। तो इसको पहली बार लग जाता कि कोई आया है खुला पड़ा दरवाजा ओ ये क्या है मेरे काम की चीज है कैसे जूस मिक्सर ग्राइंडर है तो चलो मम्मी के काम की चीज है। ओह माय गॉड अंडे डालने के काम आ जाएगा ये तो। अरे ये ठीक है अभी मैं ये ना कुछ मिक्स कर रहा था मैं अपना एक शेक बना रहा था उसमें ये ठीक है ये तो बड़ा ओ भाई इतना बड़ा ग्राइंडर ओ हम दुकान खोल सकते हैं इसकी मैं दुकान खोल लिया मुर्गी नहीं मेरे से आवाज नहीं।
ये गिटार लिया था कुछ 2 साल पहले, 2 साल हो गए होंगे इसे। 2 साल कितने साल हो गए? 6-7 साल हो गए। और पहले मैं बहुत बजाया करता था इसे, लेकिन उसके बाद इसमें कुछ स्ट्रिंग में प्रॉब्लम आने लग गई, फिर मैंने बजाना ही छोड़ दिया पूरा। 7 साल हो गए कम से कम। ये क्या कर रहे हैं, ब्रेक के छिड़के मार रहे एकदम से? अभी आपने स्टार्टिंग में देखा है हमारे स्कूल में कॉम्पिटिशन है, मैंने बताया था मेरा गिटार खराब, नहीं मैंने नहीं बताया था मेरा गिटार खराब है, तो देखते हैं अगर ये ठीक हो जाएगा तो उसको ठीक करवा लेंगे, अगर नहीं होगा तो फिर नया देखना पड़ेगा, क्योंकि अभी मेरे पास बस 3 दिन है, 3 दिन में हमें सारी प्रैक्टिस करनी है कम्प्लीट स्कूल में। वो भी पहले जब मैं सीखता था ना तो मैं ब्लॉगिंग नहीं करता था, तो मैं सिंपल गिटार कैसे ना ट्यून बजा के डाल देता था ना, लेकिन वो सारी वीडियोस मैंने प्राइवेट कर दी है अपने चैनल पे, तो फिर आप सीखेंगे तो आपको भी दिखाएंगे साथ साथ, अगर चाहते तो ओपन कर देंगे, पुरानी है। चलो अगर आपको देखने तो बता देना, ठीक है दिखा दूंगा मैं वो वीडियो। तो भाई जहाँ से हमने ये गिटार लिया था ना वो दुकान वैसे आगे है, लेकिन यहाँ पे हमें 2 ये गिटार की दुकानें दिखी है, तो यहाँ पे ये ले लो आवाज, अजीब दास्तान है। हाँ हाँ काफी दिन बाद बजाया ना। भाई ये गिटार अभी फाइनल कर रहा है, मैं इसकी इतनी नॉलेज नहीं है, लेकिन चलो ट्यूनर वगैरह सब है यहाँ पे और एम्पलीफायर से अटैच हो जाता है ये। हाँ और अंदर ये ट्रेनिंग वगैरह भी देते हैं, अगर सीखना वगैरह हो तो सीख भी सकते हैं यहाँ पे। सही है यार, देख रहे हैं हम भी ट्राई करेंगे, अगर सीखना हो यहाँ पे सीख भी लेंगे कभी। चलो तो भाई फाइनली अभी हम आ गए घर, हमारा ये रहा नया गिटार। ओ क्या बात है, पूरी पैकेजिंग करके दी है। तो भाई इसकी अनबॉक्सिंग हमने कर ली है मम्मी ने, लेकिन बीच में रिकॉर्डिंग ही बंद कर दी, तो अब एक बार देख लो। मैं बता रहा था कि हमें साथ में इसके एक बेल्ट मिली है, तो इस गिटार में ना वो हर चीज है जो मेरे को चाहिए यहाँ पे, इसके लगा हुआ है गिटार ट्यूनर और इसके कंट्रोल्स वगैरह भी काफी है। साथ में इधर से हम इस गिटार को हम एक तरह से प्रोफेशनल यूज भी कर सकते हैं, और यहाँ पे इसकी बैटरी लग, यहाँ पे एम्पलीफायर कनेक्ट करने के लिए ये प्लग वगैरह दिए है। तो 6-7 साल पहले मैंने आपको बताया, मैंने 6-7 साल पहले गिटार लिया था वो, और मैंने तभी सीखा था, 1-2 साल सीखा था मैंने, 1-2 साल वैसे अच्छे से नहीं सीखा था, थोड़ा वो सीखा था, उसके बाद वो गिटार खराब ही हो गया था। तो भाई अब टाइम आया गिटार को अच्छे से सीखने का, अब गिटार भी हमारे पास अच्छा खास है,